Welcome friends to my channel. Before going to start our video, please subscribe my channel, hit the bell icon and don't forget to like and share my video with your friends. Thank you. Shalom. Aaye ajnabi na rahe dost ban. Hum sab is zameen par ek muayyan mudat ke liye aate hain aur hame duniya mein लाने वाले हमें अपना होने का एहसास दिलाते रहते हैं और इसी एहसास को हम रिश्ते का नाम देते हैं। लेकिन इन करीबी रिश्तों से बढ़कर दुनिया में एक और करीबी रिश्ता होता है जिसे दोस्ती कहा जाता है। दोस्ती के बारे में बहुत उलमा किराम ने, शायरों ने बहुत कुछ कहा है क्योंकि ये किरां कदर रिश्ता है। यही रिश्ता यीशु ने हमसे भी बनाया क्योंकि उसने कहा, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। यीशु ने हमें दोस्त क्यों कहा, कभी सोचा है आप? इसलिए कि उसने हमें अपने मंसूबे में शामिल किया, यानी अपने बाप की सारी बातें हम तक पहुँचाई। अब वो हमसे भी यही मांग करता है कि जैसे मैंने तुमसे वफादारी की है तो तुम भी उससे वफादारी करो, यानी उसके अहकाम पर, उसकी तालीम पर अमल करें। फिर क्या होगा, फिर हम उसके दोस्त ठहरेंगे। याद रखिए, रिश्तेदार दोस्त हो सकता है लेकिन हर दोस्त रिश्तेदार नहीं होता। इससे मेरा मतलब क्या है, क्या मुराद है? मुराद सिर्फ इतनी है कि यीशु ने सिर्फ रिश्तेदारों को ही तो अपना दोस्त नहीं कहा, बल्कि हर उस इंसान को जो उसकी तालीम पर अमल करता है वो उसका दोस्त है। क्योंकि यीशु ने दोस्तों के लिए जान दी है और यीशु का दोस्त वही है जो उसके कलाम पर अमल करता है, तभी उसका यानी यीशु का फिदिया देना उसके लिए कार आमद होगा। लेकिन अब यीशु यहाँ इस दुनिया में ज़ाहरी तौर पर तो नहीं है, तो क्या ये दोस्ती का सिलसिला ख़त्म हो गया? जी नहीं, बल्कि दोस्त बनाने का ये काम या ये ज़िम्मेदारी उसने अपने हर अमल करने वाले पर आयद कर दी है कि हम उसका कलाम सारी दुनिया में, सारी कौमों में सुना और यीशु की तालीम आम करें, ताकि लोग उसकी तरफ आए और उसके साथ दोस्ती के रिश्ते में कायम हों। ये काम तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक दूसरे को दोस्त बनाएं। सलामत।